मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करके दी। कमल पटेल ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएगी, जिससे किसान भाई अपनी फसलों को बेच सकेंगे। प्रदेश के किसान भाई 25 मार्च से अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे, इसकी जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करके दी। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वर्ष 23-24 के लिए गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च 2023 से आरंभ हो जाएगी और साथ ही इस बार किसान भाई अपनी फसल के विक्रय के लिए स्वयं ही सुविधा अनुसार स्लॉट भी बुक कर सकेंगे। साथ ही कृषि मंत्री ने अन्य ट्वीट करते हुए बताया कि सरकार ने विपणन वर्ष 23-24 के लिए चने का समर्थन मूल्य 5,335 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का समर्थन मूल्य 4,550 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश में चने का उपार्जन सभी जिलों में होगा, गेहूं का उपार्जन 37 जिलों में और सरसों का उपार्जन 40 जिलों में होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, सरसों एवं मसूर का उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।